आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 32वां अध्याय वचन 1 से 15। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं की योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इसराइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यर्दन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इसराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बढ़ने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था, अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा तब इसराइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इसराइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे।